नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है तो उनके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के नीचे में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये सुजीत कुमार घोष जी, इन्होंने पूछा है, सर आई एम बिगनर्स, आई हैव सम स्टॉक्स ऑफ ITC, इन्फोसिस, HUL, सम कंपनी अनाउंस डिविडेंड, हाउ आई विल गेट इट। तो हम डिविडेंड कैसे प्राप्त करेंगे? तो सुनील जी, आपको बता दें कि जो डिविडेंड होता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। आपने डीमैट अकाउंट खोलते समय जो भी बैंक अकाउंट दिया होगा या आपके डीमैट अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो उसमें ऑटोमेटिक आपका डिविडेंड जो पेमेंट है वो आ जाएगा। बाद है हमारा सीमान चला स्वीन, ये पूछते हैं बोनस के लिए मिनिमम कितने होल्ड करना पड़ेगा। तो बोनस के लिए जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं बोनस आपको उतना ही फायदा करता है। लॉन्ग टर्म में आपका जो शेयर है वो मल्टीप्लाई होता जाता है बोनस के इश्यू से। तो आप जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करें उतना ही ज़्यादा बेहतरीन बोनस का फ़ायदा होगा। ऐसे तो आप एक्स बोनस डेट से पहले शेयर बाय कर लेते हैं तो आपको बोनस मिल जाता है। तो इसके लिए होल्ड करने की आप जितना लंबी अवधि तक होल्ड करेंगे बोनस शेयर आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। उसके बाद है लक्ष्मण, करें फ्रेश बाय करें तो क्या हमें बोनस मिलेगा? फ्रेश बाय आप एक्स बोनस डेट से पहले करते हैं तो आपको बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस जैसा कि हमने पहले ही बोला लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट करता है। लेकिन अगर एक्स बोनस से पहले बाय करते हैं और आपका जो बोनस तो प्राप्त होगा ही, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको बेनिफिट्स है, नहीं तो अगर प्राइस नीचे चल जाता है रेशियो में कम होने के बाद, जिस रेशियो में बोनस मिलेगा उस रेशियो में प्राइस कम होने के बाद भी अगर और प्राइस में फॉल होता है तो आपको फिर उसमें घाटा ही रहेगा। तो बोनस जो होता है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करता है, और फ्रेश बाय जब भी करते हैं एक्स बोनस से पहले तो भी आपको बोनस मिलेगा। उसके बाद है अनिल तिवारी, कह रहा है 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कैसे करें बेस्ट स्टॉक? तो बेस्ट स्टॉक हम लगातार बताते रहते हैं। आप अलग अलग सेक्टर से, जैसे आप रिलायंस में जैसे TCS इन्फोसिस हो गया, इसमें से कोई एक ले सकते हैं। आप जैसे एयरटेल है उसको ले सकते हैं। आप अलग अलग क्षेत्र जैसे फाइनेंस से है तो फाइनेंस सेक्टर में आप HDFC, MC, बजाज फाइनेंस को ले सकते हैं। तो हर सेक्टर से आपको अलग अलग स्टॉक्स चुनना होता है, अच्छे अच्छे जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, क्योंकि मार्केट में अभी करेक्शन आया है तो आप इसमें ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो 50,000 रुपीज़ में कौन सा स्टॉक बेस्ट होगा तो आपको हम बताते रहते हैं। तो आप दीपावली तक मोटा मुनाफा हो सके, दीपावली तक मोटा मुनाफा लेना है तो फिर आपको जैसे मार्केट गिरता है फॉल आता है तब आपको ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया, HDFC हो गया, इस तरह के जो भी ब्लू चिप स्टॉक है जो कि हम लगातार वीडियो में बताते रहते हैं, आगे भी बताएंगे, तो उन सारे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर दीपावली तक में मोटा मुनाफा लेना है। ऐसे स्टॉक जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के रिस्पेक्ट से होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा मोटा मुनाफा उसमें होता है। उसके बाद है वेस्टिग गुंजन सोनी, कहते हैं सर आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरा एक सवाल है कि 50 विप्रो, 50 ITC, 50 मदरसन सोमी, 50 इन्फोसिस, तो इनका जो यहाँ पर नीचे सवाल था कि क्या ये सारे शेयर अच्छा है, तो आपके सभी शेयर अच्छा है, क्योंकि इसमें जो मदरसन सुम्मी है थोड़ा सा इसका शेयर प्लेस्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मदरसन सुम्मी थोड़ा सा शेयर प्लेस्ड है। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी काफ़ी उनका सेल्स जो है सारा बंद है, आगे भी प्रभावित रहने वाले हैं अगर रिसेशन आता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अगर मदरसन सुम्मी में चाहे तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर आपने माल बहुत ही नीचे लेवल पे लिया है 70 रुपीज़ के लेवल पर, क्योंकि हमने 70 रुपीज़ के आसपास ही बताया है, तो फिर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। उसके बाद सिम मुलिक है, तो कह रहा है लॉन्ग टाइम के लिए कौन सा सही है? लॉन्ग टर्म टाइम के लिए वैसे स्टॉक सही है जिसमें आगे ग्रोथ हो, जिसके बिजनेस में जो कंपनी है उनके पास जो आगे मतलब वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए सोच रहा हो, तो वैसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट करने में ज़्यादा बिलीव करें लॉन्ग टाइम के लिए। तो जो इसके बिजनेस में आगे ग्रोथ हो और साथ साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आगे ग्रोथ में विश्वास रखता हो, तो जो कंपनियां ग्रोथ में आगे विश्वास रखती है वैसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें, और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तब आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। आगे है विनय कनुजिया, कहते हैं कैसे किसी कंपनी का पता चलेगा कि वो डेब्ट फ्री है? तो कैसे कंपनी का डेब्ट फ्री पता चलेगा? तो आप बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होता है उसमें शेयर होल्डर का लायबिलिटीज होता है, रिजर्व सरप्लस होता है, इसको हटा दें, जो इक्विटी फंड है और जो कंपनी का
रिजर्व सरप्लस है उसको हटा दें तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उसमें जो आपको दिखेगा जो लाइबिलिटीज रेस्ट लाइबिलिटीज या कहे जो सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन होगा, सिक्योर्ड लोन जो सिक्योर्ड लोन होगा और जो अनसिक्योर्ड लोन होगा, तो ये सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन जो है वही कंपनी का डेब्ट होता है। तो कंपनी का सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन जीरो होना चाहिए या बहुत ही कम होना चाहिए, तो वो कंपनियाँ डेब्ट फ्री कहलाती है। उसके बाद क्या विप्रो अभी भी लिया जा सकता है? निश्चित ही विप्रो अभी भी लिया जा सकता है। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर, जैसे प्राइस 180 आ गया उस समय आप निश्चित ले सकते थे, विप्रो अभी भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे अभी भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में फिर से एक बार तेज़ी आ सकती है, आईटी कंपनियों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी आगे भी आई है, तो निश्चित है विप्रो अभी भी लिया जा सकता है। उसके बाद है महेंद्रा पेंडकलकर, कह रहे हैं सर एक्स बोनस से पहले 15 दिन बताइए, मतलब 15 दिन पहले कोई भी कंपनी के बारे में बताइए एक्स बोनस से पहले। तो हम बात करेंगे कि जो एक्स बोनस होता है उससे काफ़ी पहले ही आपको शेयर में मतलब इन्वेस्टेड रहना चाहिए, मतलब आप जो शेयर में इन्वेस्टेड हैं उसी शेयर के बोनस का मतलब आप चिंता करें कि उसी बोनस वही शेयर जिसमें आप इन्वेस्ट किया वो बोनस दे, ना कि आप जो बोनस दे रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करें। आप बोनस देख करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, आप जिस कंपनियों में ग्रोथ है उसमें इन्वेस्ट करें, वो कंपनी आपको खुद ब खुद बोनस देगी। कभी भी बोनस लेने के लिए आप इन्वेस्ट ना करें, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करें, फिर वो कंपनी आपको खुद ब खुद बोनस देगी जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। जैसे बजाज फाइनेंस, कभी कंपनी बोनस नहीं दिया फिर भी जो बजाज फाइनेंस है वो काफ़ी रिटर्न दिया है। जिन्होंने भी 2008 में इन्वेस्ट किया होगा तो उन्हें 2019 के शुरुआत तक काफ़ी अच्छा रिटर्न प्राप्त हुआ बजाज फाइनेंस में। तो इसलिए कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, फिर वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे, वो कंपनी खुद ब खुद अच्छी होगी तो आपको बोनस शेयर भी देंगे। उसके बाद है भूपेंद्र सिंह, कर अभी अगर आपने 1,00,000 विप्रो या इन्फोसिस में लगा दें नेक्स्ट 10-15 ईयर्स के लिए तो कितना बन सकता है? देखिए विप्रो या इन्फोसिस में आप लगाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि 1,00,000 कितना बनेगा। ये तो कंपनी के आगे जो ग्रोथ पे निर्भर करता है, कंपनी आगे कैसे ग्रो करती है, कितना प्रॉफिट अर्न करती है, वो कंपनी के ग्रोथ पर, उसके कंपनी के प्रॉफिट पर निर्भर करता है कि 10-15 साल में आपका रुपया कितना बनेगा। अगर पिछले रिकॉर्ड को देखे जाए तो आपका 10-15 लाख इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्फोसिस रिटर्न दिया है उसके आधार पर अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो आपका 10-15 लाख आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है इन्फोसिस में, अगर पिछले रिकॉर्ड को अगर इन्फोसिस दोहराता है तब। आगे का कोई भी नहीं कर सकता, अगर आगे का पता हो कि इन्फोसिस इतना रिटर्न देगा तो हर कोई इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर सकता है। अगला है अरमान अली, ये कई बार कमेंट कर चुके हैं, कई बार ये पूछ चुके हैं कि डू एनालिसिस ऑफ खूबसूरत लिमिटेड, इट इज़ ए डेब्ट फ्री पेनी स्टॉक। कह रहा है कि खूबसूरत लिमिटेड जो है इसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये एक डेब्ट फ्री पेनी स्टॉक्स है, तो निश्चित है कि हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपने कई बार कमेंट किया है तो खूबसूरत लिमिटेड का आगे हम एनालिसिस का वीडियो लाएंगे, और ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो कि डेब्ट फ्री है। उसके बाद कह रहा है मैं 36 ईयर ओल्ड मैन, अनिल तिवारी कह रहे मैं 36 ईयर ओल्ड हूँ, आई एम न्यू, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेस्ट होगा, दिवाली जो दिवाली है या 1 ईयर के में मोटा मुनाफा हो? तो जो छोटे अवधि है इसमें जो हमारा स्टॉक मार्केट है तो वो कोई मोटा मुनाफा नहीं देता है, तो आप जो छोटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं और नए हैं तो आप मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आप मार्केट से कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मुनाफा नहीं कमा सकते। हाँ, लेकिन अगर जैसे मार्केट अभी क्रेश हुआ था, 8,000 आ गया था, अगर वैसे आता है तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके छोटे समय में, छोटे अवधि में मोटा मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करता है, मोटा मुनाफा क्रिएट करता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से चाहते हैं कि मोटा मुनाफा कमाएँ तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो यहाँ तक सवाल था। उसके बाद एक सवाल बार बार आता था कि जो हमने डाला था कि आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में खोलें और साथ साथ फ्री में 1,000 रुपया लें, तो ये था कि 1,000 रुपया आपको मिलेगा, मतलब जो आदमी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है कहाँ पे, अप स्टॉक में, तो अप स्टॉक में जो भी आदमी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा उसे फ्री में
₹1000 का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा, साथ साथ फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था, जो ओपन करेंगे उसे ये सारी चीज़ें मिलेगा, ना कि मुझे मिलेगा। आप ओपन करते हैं डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, आपको फ्री में ₹1000 का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आंसर था, तो फिर अगले वीडियो में हम कवर करेंगे और जो भी सवाल आएंगे। तो आपके पास भी अगर कोई सवाल है, आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उन सवालों को कवर करेंगे।